भारत को आजाद हुए आज 27,000 दिन, 900 महीने और आप समझ लीजिए 75 साल जो है हो चुके हैं। भारत 75 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका है। आजादी के 75 साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आजादी के अमृत काल का एक मंत्र दिया था, देश को गुलामी की हर सोच से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया था। गुलामी की सोच से मुक्ति प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया था। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के कई कदम उठाए गए, लेकिन मानसिक गुलामी का क्या करिएगा। आजाद भारत का एक वर्ग ऐसा भी है जो अब भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ है, ग्रसित है। आज अंग्रेज 75 साल पहले भारत से चले गए, लेकिन गुलाम छोड़ गए, गुलामी मानसिकता, गुलाम मानसिकता वाले ऐसे लोगों को छोड़ गए जो देश के सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विदेशी दुष्प्रचार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से आ रहा है वो दुष्प्रचार। वो तो आज भी शासक हैं, हम आजाद हो गए, लेकिन मानसिक गुलाम हैं कुछ लोग अभी भी यहां पर। ऐसे लोग अभी भी औपनिवेशिक सोच से आजाद नहीं हो पाए। सोचिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिस गुजरात दंगों में सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है, जिस गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे राज्य प्रायोजित अपराध नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट, जिस गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच पर सवाल उठाने वाले दुर्भावना से प्रेरित हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिस गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ झूठी गवाहियां केस को सनसनीखेज बनाने के लिए हुई, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिस गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाली तीस्ता सी तलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया साजिश रचने के लिए, क्योंकि उन्होंने गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी को झूठी जानकारियां दी और दंगा पीड़ितों के नाम पर झूठी जानकारियां दी। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बीबीसी की इस प्रोपोगेंडा वाली झूठी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या है, झूठ का पुलिंदा कह लीजिए, एक तरफा झूठ का पुलिंदा, उसका समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ये डॉक्यूमेंट्री होगी, विदेशी दुष्प्रचार हो गया। मतलब जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग के विचारों पर आधारित है, जो पूरी तरह से तथ्यों से दूर दुर्भावना से प्रेरित झूठ और प्रोपेगेंडा का पुलिंदा है। अंग्रेजों के जो मानसिक गुलाम है, जो आज भारत में है, गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट के खिलाफ बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के साथ है। इन लोगों में देश की कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कई डिजाइनर पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं, और गुलामी की मानसिकता से ग्रसित ये लोग हैं जिन्हें भारत की जनता, देश के संविधान, समझिएगा, भारत की जनता, देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट, अपनी सरकार, एसआईटी से ज्यादा भरोसा, एक विदेशी मीडिया के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर ज्यादा विश्वास है। मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं लोग। ये बहुत ही जानी सोची समझी रणनीति के तहत मिजाज बहुत बड़ा है, एक डॉक्यूमेंट्री से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। एक लाइन में खबर समझिए, क्योंकि मोदी वर्ल्ड लीडर और ये विदेशी दुष्प्रचार के सारे चीयर लीडर हैं। क्योंकि मोदी वर्ल्ड लीडर, इसलिए विदेशी दुष्प्रचार के सारे चीयर लीडर। आजाद भारत में अंग्रेजों के ये मानसिक गुलाम कौन हैं, इनका परिचय कराने से पहले हम उस बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपको बताएंगे जिसका एक हिस्सा 17 जनवरी को प्रसारित हुआ था। गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया दी मोदी क्वेश्चन पार्ट 1। अब इसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से
ऑफिशियली इसको ब्लॉक कर दिया गया, इसके विजुअल एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन इस प्रायोजित झूठ के पुलिंदे वाली प्रोपोगेंडा डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट के सहारे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि दंगों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार दोषी थी और दंगों के दौरान प्रशासन की ओर से दंगाइयों को खुली छूट दी गई थी और यह सब कुछ मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ, यह साबित करने की कोशिश की गई इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए। सुप्रीम को क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन ये विदेशी दुष्प्रचार वाली दुकान चल रही है और यहां पर कई चीयर लीडर हैं। देश के लोग और सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी भारत में मतलब आप समझिए अंग्रेजों के जो मानसिक गुलाम है ना, गोरे चले गए गुलाम छोड़ गए, ये गोरों के मानसिक गुलाम बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का प्रचार करना चाहते हैं। मोदी विरोध में इतने अंधे कि भारत के खिलाफ जहर भी इनको कबूल है। इसी एजेंडे के बाद हुआ क्या, आप इसको समझिए, जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत में ऑफिशियली एमईए की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक किया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दिया और जेएनयू में तो दिखाएंगे मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह से लेकर जान नारेबाजी होती है। भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग फिर एक्टिव हो गया, उसको मौका हाथ लग गया। मोदी विरोध के नाम पर भारत के खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार हो रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के पास सबसे बड़ा मौका एक्टिव हो गया जेएनयू में। टुकड़े टुकड़े गैंग के कई समर्थक गुजरात दंगों पर दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते थे जेएनयू में, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द कर दी। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि ऐसी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री कैंपस की शांति भंग कर सकती है। लेकिन सोचिए ना, ये कौन लोग हैं जो मोदी विरोध में भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर को प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं। हालांकि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया जा चुका है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक और ट्विटर लिंक को ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताया, बायस बताया, प्रोपेगेंडा बताया। बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका पाकिस्तान के पत्रकार को मतलब अमेरिका भी पाकिस्तान के पत्रकार को कड़ा जवाब दे चुका है। पाकिस्तानी पत्रकार एजेंडा फैला रहा था, अमेरिका ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कहा कि हम उन मूल्यों को अच्छी तरह समझते हैं जो भारत और अमेरिका को जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। सुनिए एक बार। I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share. The values that are common to American democracy and to Indian democracy. मतलब सोचिए ये विदेशी दुष्प्रचार के कितने सुपरस्टार इंडिया में है। अमेरिका को सुन लो भाई, अमेरिका ही पाठ पढ़ा रहा है आपको। यहाँ के जो लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें भारत के खिलाफ फैलाए और उनके अपने देश के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मोदी विरोध, उनके अपने देश के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर भी भरोसा हो रहा है। उन्हें जवाब दिया खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की रिपोर्ट थी ना, उनके अपने देश के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने क्या कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। ऋषि सुनक कह रहे हैं, Imran Hussain, Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing?
Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. सोचिए जिस देश की डॉक्यूमेंट्री पर यहाँ के लोग उछल रहे हैं उस देश के प्रधानमंत्री ने ही इसको खारिज कर दिया, ऋषि सुनक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शुद्ध तौर पर दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री क्यों है। पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री के भारत में कितने फैन हैं। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई 2022 का सच सामने आने से मोदी डरे हुए हैं। भाई दुष्प्रचार के कितने सुपरस्टार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री पीएम मोदी का असली चेहरा दिखा रही है। वहां के सांसद कह रहे हैं हम इसके साथ नहीं, लेकिन ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ है। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बादशाह इतने असुरक्षित हैं, ये लोग मोदी विरोध में उतर आए हैं। सीपीएम केरल में बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी की जा रही है। और असद ओवैसी, ऑल इंडिया मयम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मौन समर्थन करते हुए पूछ चुके हैं कि गुजरात दंगों में लोगों को किसने मारा, ये भाई अलग से मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मतलब इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी भारत में तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और बीबीसी भी अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और असद ओवैसी को मौका मिल गया। वैसे बीबीसी की दुष्प्रचार के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। आप सोचिए एक बीबीसी भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये एक असद ओवैसी यहां पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये सोचिए तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे बीबीसी की दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करने वाले लोगों के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर एक बड़ा संदेश दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में अभी भी कुछ लोग, ये फुल स्क्रीन पर अगर हम ट्वीट दिखा सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फुल स्क्रीन पर अगर दिखाएं, ये देखिए आप किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री पूरा निचोड़ बता दिया, कुछ लोगों के लिए गोरे शासक अभी भी मालिक हैं, जिनका भारत पर फैसला अंतिम है, ना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या भारत के लोगों की इच्छा। गोरे शासक अभी भी मालिक हैं, यानी कि गुलाम हैं यहां पर कई लोग, गुलामी मानसिकता। हमने कहा ना कि गुलाम गैंग से सावधान इंडिया, दुष्प्रचार की डॉक्यूमेंट्री, गुलामों की एंट्री, ये किरण रिजिजू ने ट्वीट किया। वो बीबीसी, उन्होंने कहा कि वो बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं कुछ लोग, और ऐसे लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हुए हैं। किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना। पूरा निचोड़ बता दिया कि गोरे अभी भी शासक है, इनके दिमाग में दिमागी गुलाम है यहां पर। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कैसे भारत विरोधी दुष्प्रचार है, कैसे बीबीसी ने सिर्फ न सिर्फ दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की और कानूनी प्रक्रियाओं को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। बीबीसी ने भारत विरोधी, भारत की कानून व्यवस्था विरोधी डॉक्यूमेंट्री में यह सच छिपा लिया। क्या क्या बताया, उससे बड़ा जानना है कि क्या क्या छुपाया। गुजरात दंगों के 22 साल बाद साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगों को राज्य प्रायोजित अपराध नहीं माना जा सकता, यह नहीं दिखाया डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने अपने दुष्प्रचार के लिए जिस गुलबर्गा सोसाइटी का जिक्र किया, उस मामले में जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए खारिज कर दिया कि केस में मेरिट नहीं है, नहीं दिखाया बीबीसी ने। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू, जो एजेंडे में फिट नहीं हो रहा उसको दिखाया ही नहीं। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह भी बात छिपा दी। बीबीसी ने यह नहीं बताया कि एक कथित समाज सेवी तीस्ता सीतलवाड़ और दो पुलिस अफसरों को झूठी जानकारियां देने फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यह भी नहीं बताया। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि गुजरात दंगों के बाद खुद ये तथ्य सुनिएगा, बीबीसी ने यह नहीं बताया कि गुजरात दंगों के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने, मतलब सरकार ने, नानावटी आयोग का गठन किया था ताकि उनकी सरकार पर लगने वाले आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके, और उस नानावटी आयोग की एम्बिट में खुद सीएम थे। यह आज तक नहीं हुआ दंगों के इतिहास में, कभी कोई सरकार ने कोई आयोग बनाया और उस आयोग के जांच के दायरे में अपने सीएम को भी रखा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
ये आज तक नहीं हुआ, ये भी नहीं बताया बीबीसी ने। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित की थी ना, उसमें नरेंद्र मोदी साधारण व्यक्ति की तरह 9 घंटे तक पूछताछ में शामिल हुए और उन्हें क्लीन चिट मिली। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि गुजरात दंगों में कुल, सुनिएगा, 4,274 केस दर्ज हुए, 4,274 केस दर्ज हुए, 19,198 हिंदू, 7,799 मुस्लिम, हिंदू गिरफ्तार हुए लगभग 19,000, मुसलमान गिरफ्तार हुए 7,800 के आसपास। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि गुजरात दंगों में एक महिला सेल का भी गठन हुआ था जिसने राहत शिविरों में जा जाकर 856 महिलाओं की शिकायत के आधार पर 1,106 शिकायतें दर्ज की, जाकर रिलीफ कैंप्स में जाकर। बीबीसी ने यह भी नहीं बताया कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में संख्या में 58 लोगों के जिंदा जलाए जाने को नानावटी आयोग ने सुनियोजित साजिश बताया था। इस पर बनाइए ना डॉक्यूमेंट्री जो 50 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया था। बीबीसी की आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान किया, बस इसके लिए भी की जानी चाहिए क्योंकि उसने भारत की अदालतों, कानूनी प्रक्रियाओं का भी एक तरीके से मजाक उड़ाया और हमारे यहाँ के लोग खुश हो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ पर लोग पागल हुए जा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, वो आपके देश पर सवाल उठा रहा है, आपके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है और आप उसको शेयर कर रहे हैं। मोदी विरोध, गुजरात दंगों के विवाद में नरेंद्र मोदी को अदालत में घसीटा गया, अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई, 2010 में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से पूछताछ की। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब अपनी सरकार की बनाई एसआईटी के सामने किसी सीएम की पेशी हुई। दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई, वर्ष 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, 2022 जिस हिस्से को गप कर गया बताया नहीं बीबीसी ने, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर दोबारा मोहर लगाकर उन लोगों की साजिश को नाकाम कर दिया जो पिछले 2 दशकों से नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में फिक्स करने की साजिश में लगे थे। फिक्स। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि बीबीसी की भारत विरोधी दुष्प्रचार डॉक्यूमेंट्री का आधार क्या है। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री का आधार गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन ब्रिटेन सरकार द्वारा बनाई गई एक इन्वेस्टिगेशन टीम की सीक्रेट रिपोर्ट थी। तब जांच के लिए ब्रिटेन का एक पैनल आया था और तब जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर यह डॉक्यूमेंट्री है। इस सीक्रेट टीम ने गुजरात दंगों के बाद भारत का दौरा किया था और फर्जी जानकारियों के आधार पर नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाए थे। अब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, जो वहां की लेबर पार्टी से आते हैं। लेबर पार्टी ब्रिटेन की वामपंथी पार्टी है। अब आप पूरी कहानी समझ रहे होंगे अपने आप। अभी ऑपोजिशन में है, नरेंद्र मोदी से खासी दिक्कत है इन साहब को, इंडिया से खासी दिक्कत है। 2003 में जब गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे ना, तब टोनी ब्लेयर की सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि वो ब्रिटेन ना आ जाए। अब इनकी रिपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनेंगे तो मोदी के गुणगान या मोदी की आरती थोड़ी ना उतारी जाएगी। टोनी ब्लेयर की सरकार को डर था कि भाई इससे ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों के वोट दूर हो सकते हैं। बावजूद इसके मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए और उन्होंने सभी तय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 2002 में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए टोनी ब्लेयर ने कश्मीर मुद्दे पर भी दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। ये हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रिटेन में जिस सरकार के कार्यकाल में गुजरात दंगों पर ये रिपोर्ट या सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की गई, उसकी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती है। पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो ये मोदी के खिलाफ ही बनाएंगे ना, इसलिए एक तरफा, इसलिए झूठ का पुलिंदा है, इसलिए प्रोपेगेंडा है। आप बीबीसी की इस मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री के एक और किरदार से मिल लीजिए। इस किरदार का नाम है जैक स्ट्रॉ। जैक स्ट्रॉ जो समय टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश मंत्री थे और जैक स्ट्रॉ के निर्देश पर ही गुजरात दंगों की जांच करने वाली टीम आई थी इंडिया, और जैक स्ट्रॉ आज भी धुर मोदी विरोधी हैं। उन्हें भी कश्मीर समेत भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की बड़ी आदत रही है। बस एक और आखिरी जल्दी से बता देते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री का तीसरा किरदार है, इनका नाम है इमरान दाऊद। ये एक तो बिलावल के बड़े वाले फैन है और इनकी टेस्टिमनी हो रही है। अब इनकी टेस्टिमनी हो रही है और ये बिलावल के बड़े वाले फैन है। इनकी जब हम प्रोफाइल में गए तब पता लगा ये व्यक्ति घोर भारत विरोधी है, पाकिस्तान का बड़ा फैन है,
ब्रिटेन न्यू यॉर्कशायर में रहने वाले इमरान दाऊद के फेसबुक पेज पर काफी भारत विरोधी पोस्ट हमको मिली। इमरान दाऊद ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान भी फेसबुक पेज से शेयर किया था, जिसमें याद है ना प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे थे। तो इन लोगों की गवाही के आधार पर यह झूठ का बुलंदा और ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई, जिसको यहां पर एक गुलामी गैंग इसको पूरी तरह से प्रमोट करने में लगी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।